लखनऊ में सबसे बड़ा सामूहिक विवाह होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज श्रमिकों की 3500 बेटियों के विवाह करवाएंगे। उत्तर प्रदेश श्रम विभाग पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 3500 जोड़ों का विवाह राजधानी लखनऊ में करवाया जाएगा। सीएम योगी खुद कन्या विवाह में मौजूद रहेंगे। खबर रामपुर से है, जहां पर एक शादी समारोह में अचानक पुलिस रेड से हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस को खबर लगी थी कि शादी की दावत के लिए यहां गौकशी की जा रही है। पुलिस ने मौके से एक कुंटल गौमांस बरामद किया है। मामले में दूल्हे सहित परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने त्रिवेंद्र सरकार का एक और फैसला पलटते हुए विभाग में सेवाएं दे रहे 2 लाख से ज्यादा उपकल कर्मियों को बड़ी राहत दी है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पोर्टफोलियो मिलते ही एक्शन देना शुरू कर दिया है। विभाग मिलने के अगले ही दिन सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपकल कर्मियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि उपकल कर्मियों की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का फैसला तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। खबर अयोध्या से है, जहां पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार पहुंचे हैं। राजा बिमलेंद्र मोहन मिश्रा से राज सदन में की मुलाकात। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के साथ फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस व नुसरत भरूचा भी अयोध्या पहुंची हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी उन्होंने मुलाकात की। हरिद्वार कुंभ मेला कोविड के दृष्टिगत चुनौतीपूर्ण है। कुंभ मेले के पहले शाही स्नान महाशिवरात्रि के दिन लाखों लोग हरिद्वार पहुंचे थे। प्रशासन के मुताबिक आगे के महत्वपूर्ण स्नानों में श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ेगी। इसके लिए अब कुंभ में क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं की जाएंगी। नेशन वन। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर जांच के चांपा जिले के टेंपल सिटी शिवरी नारायण में आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शबरी चौक में उनका पुतला जलाया। मौके पर शिवरी नारायण थाना प्रभारी मोतीलाल शर्मा अपने पूरे स्टाफ के साथ मौजूद रहे और मुख्यमंत्री के पुतले को जलने से बचाने की कोशिश की। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां के जांजगीर चांपा जिले में मंडिया में धान के उठाव नहीं होने से बेमौसम बारिश और चूहों के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि धान खरीदी बंद हुए करीब 45 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी अब तक मंडियों से बंपर लिमिट हटाई नहीं गई है, जिसकी वजह से मंडी में रखे धान की छवियों में अब चूहे घुस आए हैं और सरकार के लाखों का धान खराब होने के कगार पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वन।